वहीं बीकानेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मोबाइल फोन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। उनसे 45 फोन भी बरामद किए गए हैं और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन 45 फोन की कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। नवनियुक्त आईपीएस और सीओ सदर रमेश ने बताया कि पिछले 2-3 महीनों में मोबाइल फोन छीनने की लगभग 150 बार वारदातें हुई हैं। इसकी सूचना मिलने के बाद एक टीम का गठन किया गया और इस टीम ने पूरी सूचना जुटाकर कार्रवाई की। इस गिरोह से 15 से 20 मोटरसाइकिल चुराने की वारदातों का भी पता चला है। उनसे 3 मोटरसाइकिलों के पार्ट्स भी बरामद किए गए हैं। सफलता मिली है, एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह मोबाइल फोन छीनने की घटनाएं करता है और साथ ही साथ मोटरसाइकिल चुराने की घटनाएं भी करता है। इस गिरोह को पकड़ने में जो सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई आईपीएस रमेश ने की है, तो हमारे साथ आईपीएस रमेश है, उनसे पूछते हैं कि सबसे पहले ये घटना के पूरी डिटेल बताइए। जैसा आपको पता है कि हमारा एसपी तेजस्विनी गौतम मैम का एक हमेशा ये इच्छा है कि पब्लिक का जो प्रॉब्लम्स है उसको तुरंत एक्शन हो जाए और तुरंत कार्रवाई हो जाए। तो जब भी जो वारदात होते हैं उसके बाद कंप्लेंट्स दर्ज होते हैं, कई बार मैम के समक्ष में पेश होके बात, तो उस आधार पे मैम ने एक टीम गठित की है। उसमें मुझे इंचार्ज बनाया और मेरे साथ डीएसटी का टीम था और जेएनयूसी इलाके के अपना जेएनयूसी थाने से थे। तो हमने संयुक्त कार्रवाई में हमें मुखबिर का इन्फॉर्मेशन मिला कि पहले हमने क्या किया, जो हॉटस्पॉट है जहाँ से ज़्यादा चोरी हो रहा है, ज़्यादा छिना झपटी हो रहा है, उसको एनालाइज किया हमने किस एरिया में ज़्यादा हो रहा है। फिर उस आधार पर उधर का मुखबिर को एक्टिवेट किया, तब हमें ये पता चला कि एक गैंग तौर पे ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे 2 लोग जाए तो छिना झपटी करके लेके आया, फिर एक को बेच दिया और उसने उसको रीमॉडलिंग टाइप करके या उसको पार्ट्स को चेंज करके फर्जी बिल बना के और किसी को बेच दिया। तो कुल कितने तो वारदात हुई है और आपने कितने लोगों को गिरफ्तार किया, कितने मोबाइल बरामद हुए? हमें ये पता चला कि 150 के आसपास वारदात हुई है और उसमें अभी तक हम 45 मोबाइल्स हमने रिकवरी कर लिया है। और साथ साथ में उसके साथ हमें ये पता चला कि मोटरसाइकिल का चोरी भी इन्होंने कबूल किया 20-25 के आसपास। अभी तक हमारे पास एक मोटरसाइकिल और 2 इंजन पार्ट्स वो मिली है और ये अभी भी हमारा अनुसंधान जारी है। उस आधार पर हम आगे जो भी अभी तक जो वारदात हुई हम खोलने का प्रयास कम्प्लीटली करेंगे। कुल कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, कितने मामले दर्ज हुए? देखिए अभी तक हमने 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया और अभी FIR दर्ज हुआ है जेएनवीसी थाने में और हमारा अनुसंधान में और भी खुलासा करेंगे। ये थे आईपीएस रमेश, जिनके नेतृत्व में बीकानेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और मोबाइल छीनने वालों को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ पुलिस ने यह भी कहा है कि जिन लोगों के मोबाइल फोन छीने जा रहे हैं वह कृपया करके FIR दर्ज करवाए ताकि मुजरिमों तक पहुंचा जा सके, अपराधी को पकड़ा जा सके और ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके। अब देखने वाली बात यह है कि बीकानेर के लोग मोबाइल फ़ोन खोने के बाद में, छीनने के बाद में FIR नहीं करवाते, जिससे पुलिस को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कैमरा पर्सन धीरज जोशी के साथ श्याम मारू, सच।